हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो और अभी तक आपका यूट्यूब चैनल है मोनेटाइजेशन के कगार तक नहीं पहुंचा है, या आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने वाला है, यदि ये दोनों कंडीशन आपके साथ हैं भैया, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जो वीडियो का टॉपिक है, मैंने बहुत सोच समझ कर ही आज कवर किया है। तो भैया, आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे चल के इस वीडियो की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि इस टाइम भैया यूट्यूब पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं किसी क्रिएटर को, तब वो भैया तरह तरह के वीडियो देखता है। तो भैया, आपको क्यों ना पहले से भैया किसी प्रॉब्लम के बारे में पता रहे, जिससे आपके साथ वो प्रॉब्लम होने ही ना पाए, और बाई चांस यदि हो भी जाए आपके साथ कोई यूट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप खुद भी उसे सॉल्व कर लो, आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपका मोनेटाइजेशन यदि रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, और वो कारण बहुत सारे होते हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा। भैया, यदि किसी भी कारण से आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो आप अपने भैया उस कारण को पता लगा करके कैसे अपने यूट्यूब चैनल को दोबारा से भैया मोनेटाइज करवाओगे। क्योंकि भैया बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल पे काम करते रहते हैं भैया, बहुत ही पेशेंस से, मेहनत से, लगन के साथ भैया यूट्यूब चैनल पे काम तो करते हैं क्रिएटर्स, जब उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन में जाता है, तो वहाँ पे भैया उनका यूट्यूब चैनल को रिजेक्ट कर देता है यूट्यूब, और वहाँ पे क्या बता देता है, देखिए सिर्फ दो तीन कारण ही मेन यूट्यूब बता देता। पहला कारण होता भैया रियूज्ड कंटेंट पॉलिसी यूट्यूब लगा देता। अब ये रियूज्ड कंटेंट पॉलिसी क्यों लगती है और क्या होती है, ये पहले आप समझ देंगे। रियूज्ड कंटेंट का मतलब आपने किसी दूसरे का कंटेंट कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, ये नाम से ही भैया समझ में आ रहा है। रियूज्ड यानी कि आपने किसी दूसरे बंदे का चैनल का जो वीडियो है उसे उठा करके आपने अपने वीडियो में डाल दिया है। अब ये आपको देखना होगा कि आपने कौन से वीडियो का, क्या किसी दूसरे का कौन सा वीडियो या क्लिप या म्यूजिक उठा करके आपने अपने यूट्यूब वीडियो में प्रयोग किया है, ये आप लोग देखिए। यदि आपके चैनल पे भैया लगी हुई है रियूज्ड कंटेंट पॉलिसी, आप लोग खुद समझ सकते हो भैया, आपसे अच्छे, आपसे ज्यादा और आपसे अच्छे तरीके से ये चीज कोई नहीं समझ सकता भैया, आप सबसे बेहतर जान सकते हो अपने प्रत्येक वीडियो के बारे में। तो जैसे भी आपके यूट्यूब चैनल पे भैया कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक, सॉरी फ्रेंड्स, रियूज्ड कंटेंट का फंडा होता है, तो आप लोग अपनी सारी वीडियो को इनहेंस करिए, अपने अंदर देखिए, जिस भी वीडियो को आपको शंका लगे आप उस वीडियो को डिलीट मारिए सीधे, उसको ना ही प्राइवेट करिए ना ही अनलिस्टेड करिए, क्योंकि भैया यूट्यूब इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। यदि आप उसे भैया कर देते हो प्राइवेट या उसे कर देते हो अनलिस्टेड, तो क्या होता भैया, अब यूट्यूब आपके अनलिस्टेड और प्राइवेट वीडियो को भी चेक करने लग गया है, क्योंकि इस टाइम पे यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन डेली कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। ये तो हो गया भैया पहले नंबर का यूज्ड कंटेंट का फंडा। अब जो दूसरा होता भाई, वो सबसे ज्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है सेक्सुअल कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, सेक्सुअल कंटेंट का मतलब क्या, पहले ये समझाते हैं फिर आपको आगे बता देंगे। सेक्सुअल कंटेंट का मतलब आपने कुछ ऐसी बात बोली है अपने वीडियो में, या कुछ ऐसी फोटोज या इमेज आपने वीडियो में प्रयोग की है, या थंबनेल में आपने प्रयोग की है, या आपका पूरा वीडियो ही सेक्सुअल कंटेंट के अंतर्गत आ रहा है, तो भी भैया YouTube आपके YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा, और वहाँ पे साफ साफ रीजन के लिख के दे देगा कि आपके YouTube चैनल पे कुछ ऐसे वीडियोज हैं जिन पे भैया सेक्सुअल कंटेंट है, तब आपको सोचना होगा, आपको देखना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, आपसे बेहतर आपके YouTube चैनल या वीडियो के बारे में कोई नहीं जान सकता है, तो आप ही खुद अपने वीडियो को एनहांस करिए, कौन से आपके वीडियो में सेक्सुअल कंटेंट वगैरह की प्रॉब्लम है उसे देखिए, उस वीडियो को सीधा डिलीट मारिए, ना ही अनलिस्टेड ना ही प्राइवेट करिए, मैंने पहले आपको बता दिया है। तो भैया ये हो गया दूसरे नंबर का फंडा। अब ये तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा फंडा होता है भैया, होता है एज रिस्ट्रिक्शन का। जी हाँ दोस्तों, अब एज रिस्ट्रिक्शन का क्या फंडा, देखिए कोई ऐसी न्यूज होती है, कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा अपडेट होता है जो कि भैया हमें अपने ऑडियंस को प्रोवाइड कराना होता, बट जो न्यूज हो सकती है हमारे भारत सरकार के अंतर्गत ना आती हो, यानी कि उसके खिलाफ हो, या हमारे YouTube के जो रूल्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हो सकता है उसके अंतर्गत ना आती हो, उसके खिलाफ हो, तब भी भैया जो YouTube है आपके चैनल पे लगा देगा एज रिस्ट्रिक्शन की पॉलिसी। तो ये तीन कंडीशन होती है भैया, जब कभी भी आपके यूट्यूब चैनल पर ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए, पहले नंबर यूज्ड कंटेंट पॉलिसी, दूसरे
नंबर सेक्सुअल कंटेंट और तीसरा नंबर भैया आपका जो है एज रिस्ट्रिक्शन। ये तीन चीजें कभी भी आपके चैनल पे प्रॉब्लम आए तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत और किसी बड़े क्रिएटर से मत पूछिए और तनिक भी परेशान मत होइए। बस अपने YouTube चैनल को खोलिए, एक एक वीडियो को चेक करिए, जिस भी वीडियो को आपको तनिक भी शंका लगती है उस वीडियो को सीधा अपने चैनल से डिलीट कर दीजिए, रखिए ही मत उसे, ना ही अनलिस्टेड ना ही प्राइवेट करिए। और दोबारा से भैया जब एक महीने के बाद आपको मौका मिले अपने चैनल को मतलब दोबारा मोनेटाइज कराने का, रीअप्लाई कराने का, तो भैया आप अपने YouTube चैनल को भरिए मोनेटाइजेशन के लिए, आपका YouTube चैनल बहुत ही अच्छे से मोनेटाइज हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने YouTube चैनल से काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आगे से आप लोग ये सब चीजें जब आपके साथ हो जाएंगे तो कैसे आप लोग ये क्लियर करोगे। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हमारे दी आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे आपको हमेशा YouTube रिलेटेड एंड टेक रिलेटेड नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।